हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों आज बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। तो इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध किस धर्म के संस्थापक थे। तो आंसर है बौद्ध धर्म। और एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो आंसर है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में हुआ था। अगला बिंदु है, इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध के पिता किस शाक्य गण के मुखिया थे? तो आंसर रहेगा यह शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया। अगला बिंदु है, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा प्रजापति गौतमी ने किया था, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। अगला पॉइंट आता है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इसमें से एक और क्वेश्चन निकलता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो आंसर रहेगा सिद्धार्थ। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आंसर है यशोधरा के साथ। और उसके पुत्र का क्या नाम है? तो पुत्र का नाम है राहुल। ये और एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न चार दृश्यों को क्रमश देखा, बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी।
अगला क्वेश्चन है, अगला सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनी का मान कहा जाता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने कौन सी कितने उम्र में ग्रह त्याग दिया था। तो आंसर रहेगा 29 वर्ष की उम्र अवस्था में ग्रह त्याग दिया था। अगला पॉइंट है, ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कालम से साध्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कालम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो इसमें से एक क्वेश्चन निकलता है कि बुद्ध के गुरु का क्या नाम था। तो उत्तर है आलार कलाम। अगला पॉइंट आता है, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने जागीर के रुक्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो उसमें एक प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध ने आलार कलाम के बाद किस से शिक्षा प्राप्त की। तो आंसर रहेगा रुक्र पुत्र से शिक्षा प्राप्त की। अगला पॉइंट आता है, पूर्व वेला में सिद्धार्थ को कौनिन्दन्य वप्पा भाद्या महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध को कितने साधक मिले। तो आंसर रहेगा 5 साधक मिले। अगला पॉइंट आता है, बिना अंजल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धांत को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया। तो आंसर रहेगा 6 वर्ष की 6 वर्ष में। और किस नदी के किनारे, तो आंसर है निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। अगला पॉइंट आता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए वह स्थान बोध क्या कहलाया। इसमें क्वेश्चंस बनता है कि बुद्ध को कब कब बुद्ध के नाम से जाने गया। तो आंसर बनेगा ज्ञान प्राप्ति के बाद। अगला पॉइंट आता है,
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इसमें क्वेश्चंस बनता है कि बौद्ध ग्रंथों को और कौन सा ग्रंथ कहते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला पॉइंट आता है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। इसमें क्वेश्चंस बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में। अगला अगला पॉइंट आता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली कौसाम्बी एवं अन्य राज्यों में किए। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने अपने सार्वजनिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कौशल देश की राजधानी कौन सी थी, तो आंसर बनेगा श्रीवास्ती, कौशल देश की राजधानी थी। और एक और क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस राजधानी में दिए, तो श्री वास्ती में दिए। अगला पॉइंट आता है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदने। अगला पॉइंट है, बुद्ध की मृत्यु 28 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में छुंद द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद होगी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इसमें क्वेश्चंस बनता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु 80 वर्ष में हुई। और कौन से सन में हुई, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। अगला पॉइंट है, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। तो इसमें क्वेश्चंस बनता है कि गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया, तो आंसर है मल्लों ने गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। अगला पॉइंट आता है, एक अनुसूत्री के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। अगला पॉइंट है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को सिन्नी परंपरा के कंट्रोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म मूलतः
अनिश्वरवादी है, इसे आत्मा की परिक्रमा भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चंस बनता है कि किस धर्म को आत्मा की परिकल्पना कहते हैं, तो बौद्ध धर्म को आत्मा की परिकल्पना कहते हैं। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मानवता है। अगला पॉइंट है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अगला पॉइंट है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। अगला पॉइंट आता है, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, इसे भिक्षुक कहा गया है। और दूसरा उपाचक, ग्रह इस जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपाचक कहा गया है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने अनुयायी को कितने भागों में विभाजित किया, तो दो भागों में, भिक्षुक और उपाचक। अगला पॉइंट आता है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। इसमें क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो आंसर होगा 15 वर्ष। अगला पॉइंट है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की उपसदा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धर्म एवं संघ। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न है, तो 3 रत्न है। अगला पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। अगला पॉइंट है, धार्मिक जुलूस को प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व तो इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म द्वारा प्रारंभ किया, तो उत्तर है बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य रत्नों का उपदेश दिया। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया, तो 4 आर्य तत्वों का उपदेश दिया। अगला पॉइंट आता है,
इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टगामी मार्ग की बात की। ये साधन हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अगला पॉइंट है बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्टा नष्ट हो जाती है और इससे निर्माण प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट आ गया है निर्माण बुद्ध बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों का बल दिया। में क्वेश्चंस बनता है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, तो निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। अगला पॉइंट है बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अगला पॉइंट आता है अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अगला पॉइंट है जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधित्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी होता है। अगला पॉइंट आता है बोधित्व सत्व के रूप में पूर्ण जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म लिया किंतु इसे उपरांत मैत्रेय तथा अन्य नाम बुद्ध सभी अवतरित होने शेष है। अगला पॉइंट आता है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी। इसमें क्वेश्चंस बनता है कि सबसे अधिक सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ, तो आंसर है गंधार शैली में। दोस्तों आज का वीडियो यही तक। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।